एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि कयाधु, इस नारायण ने मेरे भाई का वध किया है, मैं अपने भाई के वध का बदला लूंगा और अमरता के वरदान को प्राप्त करूंगा। उस अमरता के वरदान को प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप वन की ओर चला गया। एक वृक्ष के नीचे बैठकर के तप करने लगा तो उस वृक्ष पर एक नन्ना सा पक्षी आकर के बैठ जाता। अब जैसे ही वो पक्षी आकर के बैठा तो बार बार नारायण 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 का इसने रटन लगा ली। हिरण्यकश्यप की आंखें खुल गई, उसने नीचे से एक पत्थर उठाया और जैसे पक्षी पर फेंक कर मारा तो पक्षी उड़ गया। इसने फिर अपनी आंखें बंद करी और फिर ये ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। कुछ देर में पुनः वो पक्षी आकर के बैठ गया, फिर नारायण 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 का जाप करने लगा। हिरण्यकश्यप ने पुनः पत्थर उठाया, फिर फेंक करके मारा, फिर पक्षी उड़ा लेकिन पुनः फिर आकर के बैठ गया और ये प्रक्रिया कई बार दोहराती रही। हिरण्यकश्यप का मन उद्वेलित हो गया, मन खराब हुआ और वो लौट करके अपने राजमहल आ गया। जैसे ही पत्नी कयाधु ने देखा कि मेरे स्वामी तो लौट करके आ गए, चरणों में झुक गई, प्रणाम किया, कहा नाथ, ब्रह्मा जी ने आपकी इतनी शीघ्रता से सुन ली। जब आप गए थे तो कहा था कि बहुत समय लगेगा, लेकिन आप इतनी जल्दी लौट करके आ गए। आते के साथ ही हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या बताऊं देवी, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहा था उस वृक्ष पर जो नन्ना सा पक्षी आकर के बैठता, बार बार नारायण नारायण का उच्चारण करने लगता, मन उद्वेलित हो गया, बहुत बार उसको भगाया लेकिन बार बार आके बैठ जाता। पहली बार हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने यह नारायण शब्द सुना था। ऐसा लगा किसी ने श्रोत्र द्वार से हृदय में अमृत घोल दिया हो और उस नारायण शब्द को बार बार श्रवण करने की प्रबल इच्छा हृदय में जागृत होती। पति के हाथ पैर धुलाए, सम्मुख भोजन प्रस्तुत किया है, पति को भोजन परोस रही है और कहती है, नाथ वो नन्ना सा पक्षी क्या कहता था, बताया ना कयाधु, वो नारायण नारायण करता था। रात्रि की बेला हुई, अपने पति की सेवा कर रही थी, चरण चापने लगी, पत्नी का स्पर्श पाकर के हृदय में काम उत्पन्न हुआ, पत्नी को आलिंगन में बांध लिया। लेकिन कयाधु कहती है, नाथ वो पक्षी क्या कहता था, बताया ना कयाधु, वो नारायण 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 कितनी बार बताऊं। और वही नारायण 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 करते करते कयाधु ने गर्भाधान संस्कार किया। अब यहां गर्भाधान हुआ और कुछ समय बीतने के बाद में हिरण्यकश्यप पुनः ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए वन चला गया। इधर इंद्र को पता चला कि कयाधु जो है वो गर्भ से है, उसने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया, सेना को चित विचित किया और जैसे कयाधु को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाया तैसे ही वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया कि देवता होकर के असुरों जैसा कृत्य करते हो, स्त्री अवध्या होती और तुम स्त्री पर शस्त्र का प्रयोग करते हो। इंद्र कहते हैं, जानते नहीं हो आप नारद मुनि, ये गर्भवती है और नागिन तो नाग को ही जन्म देगी, इसलिए मैं इसी को मार देना चाहता हूं, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। परंतु यहां नारद जी ने कहा कि इंद्र, इस देवी के गर्भ से तो भक्त राज प्रहलाद का जन्म होगा। और नारद जी उस कयाधु को लेकर के अपने आश्रम पर लौट आए। वो देवी वहां सारे साधु संतों की खूब सेवा करती, भजन पूजन पाठ में आगे बढ़कर के भाग लेती। और कल की कथा में भी आपको कहा था कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो वो उसका साधना काल होता है। उस आश्रम के सुंदर वातावरण में कयाधु के गर्भ पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। कयाधु ने वहीं पर उस नन्हे से भक्त प्रहलाद को जन्म दिया और जन्म लेने के बाद उपरांत प्रहलाद भी नारायण का भक्त बन गया। मां के गर्भ में प्रभु भक्ति के संस्कार तो पहले ही पड़ गए थे, लेकिन अब आश्रम के वातावरण का भी दिव्य प्रभाव उस बालक के
चित्त पर पड़ गया। हर समय नारायण 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 नारायण। इधर हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया और उसके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स क्या चाहते हो? तो उसने कहा, प्रभु मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई अमर नहीं है, जिसने भी जन्म पाया है उसको शरीर छोड़ना ही होगा। अब ये विचार करने लगा कि मैं ऐसा क्या वरदान मांग लूं जिससे मुझे मृत्यु ना आए। तो इसने ऐसे अनोखे अनोखे वरदान मांगे कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, वर्ष के 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं। इतने सारे वरदान मांग लिए। अब उसको लगा साल में तो 12 महीने होते हैं, इन 12 महीने में ही तो कोई मुझे मारेगा। तो उसने यही वरदान मांग लिया कि साल के 12 महीने में किसी मास में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने मैं तथास्तु कह दिया। अब ये तो बड़ा प्रसन्न है कि मैं अमर हो गया, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। इधर ये अपने राजमहल जब लौटा तो देखा कि राजमहल में पत्नी नहीं है, सारी सेना चित विचित। पता चला कि इंद्र ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया था और मेरी पत्नी को नारद जी अपने आश्रम ले गए। ये वहां पहुंचा, नारद जी ने ससम्मान इनकी पत्नी को और इनके पुत्र को वापस किया, चरणों में खूब उनके प्रणाम किया है, उनका अभिवादन किया है, धन्यवाद दिया। और आज हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न है क्योंकि पत्नी को अकेला छोड़ के गए थे, लेकिन जब लौट करके आए तो पुत्र की प्राप्ति हो गई। राजमहल लेकर के लौटे हैं और अब उनका जो अहंकार है वो अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान जो ले आए हैं। इधर नन्ना सा प्रहलाद बार बार जो है भगवान का नाम संकीर्तन करता, नारायण का। अब इधर हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा कि मेरा पुत्र मेरे शत्रु का नाम लेता है। तो पहले तो प्रेम से समझाया कि बेटा ये नारायण वारायण कुछ नहीं है, जो भी कुछ है मैं ही हूं, इसलिए आज के बाद तू कभी इस नारायण का नाम मत लेना। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप ऐसा मत कहिए कि नारायण का नाम मत लो, सारा सार तो नारायण के नाम में ही समाहित है। पिताजी ने बहुत बार समझाया परंतु बालक की समझ में नहीं आया। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि अक्सर करके बालक माता पिता की बात को बहुत कई बार हल्के से भी ले लेते हैं। तो इन्होंने अपने गुरु शंडार्कमर्क की कक्षा में प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा और गुरु जी को कहा कि जरा अच्छे से समझा देना कि नारायण वारायण कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो तेरा पिता ही है। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और यहाँ विद्यालय में जब पढ़ने के लिए भेजा तो प्रहलाद को नारायण के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। रोम रोम में नारायण बसे हुए हैं, गुरु जी कुछ भी कहें इनके मुख से नारायण ही नारायण निकले। बार बार गुरु जी ने बहुत समझाया, डांट भी लगाया, लेकिन प्रहलाद के शरीर में एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी, ऊर्जा थी कि जो भी कोई इनको स्पर्श भी कर दे वो भी नारायण का भक्त बन जाए। और जो भी जाके छूता वो उनका भक्त बन जाता। ये नारायण का गीत गाते, उनकी उनका भजन संकीर्तन करते हैं और वो सारे लोग जो है उस संकीर्तन में लीन हो जाते।